इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल 2022 के जितनी भी पोस्टें थी उनका ज्वाइनिंग स्टेटस क्या है। सीजीएल 2022 का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 13 मई 2023 को डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद से लेकर के आज तक की डेट में सितंबर 2023 तक किन किन डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करा दी गई है, किसका पेंडिंग है और आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। सबसे पहला काम, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो लोग भी अलग अलग ग्रुप के एडमिन सुन रहे होंगे इस वीडियो को जरूर अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपका किसी ऐसी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है जहां पर आप अपने ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो या नंबर ऑफ पोस्ट कम है वहां पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर मैं कोई वीडियो इस वीडियो में कोई पोस्ट कवर नहीं कर पा रहा हूं और स्टेटस आपको पता है, आप उसको भी नीचे पोस्ट करिएगा ताकि मैं उसको पिन कर दूं। जैसे वैकेंसी आई, इतना कुछ हल्ला हुआ कि 40,000 वैकेंसी, इतनी वैकेंसी, और ऑलमोस्ट 5 महीने गुजर चुके हैं और अभी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर अभी तक एलोकेशन भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। 5 पोस्टें रिपोर्ट करी गई थी, ऑडिटर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और डिविजनल अकाउंटेंट। सीएजी वालों को लेकर मेरा ये कहना होगा कि दुनिया के सारे दुख एक तरफ और सीएजी वालों का भी दुख उसी तरफ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि यार जो प्रेशर और जो कुछ उन्होंने वो कराया, कई सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि सर अगर ऐसा ही पता होता तो मैं कोई और दूसरी पोस्ट ऑप्ट कर लिया होता, इतना कुछ लालत नहीं झेलनी पड़ती। बिकॉज अभी तक ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का स्टेट एलोकेशन ही नहीं हुआ है। बात करें अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनके एलोकेशन हो गए हैं, लेकिन अभी स्टेट एलोकेशन हुआ है। उसके बाद डिपार्टमेंटल डी भी कंडक्ट कराया जाना है आपका, उसके बाद आपका ऑफिस का एलोकेशन किया जाएगा एंड देन आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा। यानी स्टेट एलोकेशन के बाद से भी 1.5 से 2 महीना वर्स्ट केस में आगे आप देखोगे। तो ये स्टेटस है सीएजी का। 3 पोस्टों का स्टेट एलोकेशन डन कर दिया गया है सितंबर के महीने में, बाकी ऑडिटर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का नहीं हुआ है। बात करें कब तक इनके होने के चांसेस, देखो यार बुधवार का जो दिन है, यानी कल का जो दिन है, आज मैं मंगलवार को शूट कर रहा हूँ वीडियो, 26 तारीख है, 27 तारीख या फिर फ्राइडे के दिन तक आपको अपना लोकेशन देखने को मिल सकता है। आप इतने दिन से आप होप लगा के आए हो और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, लेकिन ये जो 2 दिन है आपके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन 2 दिनों में अलोकेशन आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। सीबीआईसी की बात करें तो जीएसटी एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और टैक्स असिस्टेंट, एक बार नई पोस्ट इस बार लाई गई थी वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इन सभी का स्टेट एलोकेशन जुलाई के महीने में ही कर दिया गया है। अगर किसी जोन का अगर डिपार्टमेंटल डीवी नहीं हुआ हो किसी कमिश्नरेट का और आपको कोई अपडेट नहीं मिला हो, तो एक बार आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा या आप मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर देना। तो एलोकेशन हो रखा स्टेट का जुलाई के महीने तक ही और आपका बहुत सारे स्टेट ने, मतलब कई सारे कमिश्नरेट ने ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिला है सीबीआईसी के प्रोसेस में। सीबीडीटी का भी सेम रहा है, सीबीडीटी का भी जो जुलाई का रोजगार मेला 23 तारीख को कंडक्ट कराया गया था, बहुत सारे लोगों को रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर बटे हैं और कुछ कमिश्नरेट के जो रह गए थे अभी सितंबर तक चल रहा है, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट, मतलब अंडर प्रोसेस चल रहा है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है, तो वो भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सीबीडीटी को लेकर के। सीएसएस की बात करें तो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपना डिपार्टमेंटल डीवी के लिए नोटिस डाल दिया था वेबसाइट पर, और डिपार्टमेंट डीवी कराने के बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका जून के एंड जुलाई से ही स्टार्ट कर दिया गया था। तो वहाँ सीएसएस में जैसे हर बार देखते हो कि फास्ट रहता है, दिल्ली बेस्ड एएसओ, उन सभी का क्वाइर एक साथ करवाया गया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी इसमें, सभी को मिनिस्ट्री एलोकेट करके ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया गया। एमईए हर बार लेट रहती है लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बार ही देरी करा आपका और सितंबर के महीने में जाकर के, मई में रिजल्ट आया था, जनरली 1 से 1.5 महीने में ज्वाइनिंग करवा देती है वो। सीजीएल 2022 में उन्होंने लेट कर दिया, सितंबर का जो मिड सितंबर गया है वहां तक सभी लोगों को ज्वाइन कराया गया है। 10 तारीख तक का बोला गया था, 10 तारीख तक मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कोई एक्सटेंशन लिया वो अलग बात है, लेकिन सितंबर महीने में प्रोसेस कंप्लीट करवाया गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें, सीजीए की बात करें, तो सीजीए में मिनिस्ट्री का लोकेशन हो चुका है अगस्त सितंबर के महीने तक, और जिसको जो जो मिनिस्ट्री मिली है अभी आप वेट कर रहे हैं कि स्टेट एलोकेशन का वहाँ से, क्योंकि वो भी अभी स्टेट प्रेफरेंस मांगेंगे। जैसे किसी को सीबीआईसी मिला है, सीबीडीटी मिला हुआ है और फिर डिपार्टमेंटल डीवी कंडक्ट कराया जाएगा, तो अभी ये प्रोसेस बचा हुआ है। सीजीए मिनिस्ट्री एलोकेशन करने में बहुत डिले लगा रहा है, पीछे अभी सीजीएल 2021 का जो बैच गया उसमें भी टाइम लगा, सीएचएसएल 2022 वाले भी अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम अभी आगे वर्ष केस में देखना पड़ सकता है सीजी अकाउंटेंट के केस में। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जिनको अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि एसएए की पोस्ट मिली हुई थी, वहां से आपका कमांड का एलोकेशन हो रखा है, वहां जिसको जो कमांड मिला है वहां से आपका
आ गया है कि आपको ये एलोकेट किया गया है कमांड का, आपको इंटीमेशन आ चुका है। रही बात ज्वाइनिंग प्रोसेस कराने की, तो अक्टूबर के मिड तक आप, मिड अक्टूबर तक आप अपना डिपार्टमेंटल डीबी यानी कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो आपको डीबी के लिए बुला लेगा, और ज्वाइनिंग लेटर यानी कौन सा ऑफिस आपको ज्वाइन करना है ये आप मिड नवंबर या आखिरी नवंबर तक सभी कमांड का देखने को आपको मिल जाएगा। पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट PASA में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। सर्कल का अलोकेशन है, स्टेट अलोकेशन आपका डन कर दिया गया था अगस्त के महीने में, फिर उसके बाद डिवीजन का फॉर्म भरवाया गया था। डिवीजन का 26 सितंबर को अलोकेशन के लिए आज की डेट बोली गई थी। कुछ डिवीजन के अलोकेशन हो रखे हैं यानी कुछ डिस्ट्रिक्ट के अलोकेशन हो रखे हैं, कैंडिडेट को वहाँ से कुछ को मैसेज भी आया है, मतलब इंटीमेशन आया है वहाँ से, तो आप एक बार अपडेटेड रहिएगा अपने ईमेल पे, अपने एड्रेस पे आपको वहाँ से करस्पॉन्डेंस आएगा। आगे अभी आपको डिपार्टमेंटल डीबी और उसके बाद कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना होगा वो आपका डिवीजन आपका डिसाइड करेगा। इसके अलावा देखो जिसमें 8-10 पोस्टें रहती हैं वो सभी लोग एक बारी लाइन से अपना पोस्ट नीचे पोस्ट करिएगा। आप पोस्ट का नाम, आपका कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिल रहा है वो लिखिएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल माइंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, आप एक बार वो भी लिखिएगा कि मेरा NIC है और मेरा ये, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेरा ये स्टेटस है कि यहाँ तक प्रोसेस हो चुका है, ज्वाइनिंग करा दी गई है, ताकि अगर कोई एक कैंडिडेट ऐसा हो जो अपडेटेड नहीं हो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी, उस तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बाकी अगर किसी का ज्वाइनिंग प्रोसेस रोका गया है, डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू रहा हो या कोई प्रॉब्लम फेस करने की मिली हुई डिपार्टमेंटल डीवी में, आप एक बार जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। फिर आपको डिपार्टमेंट ने किसी वजह से अभी आपकी ज्वाइनिंग रोकी हो, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए।